बलिया के सोहाग के प्राथमिक विद्यालय कुल्हड़िया उमरपुर में हाल बेहाल है और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ये विद्यालय अकेला पाया जा रहा है, जिसमें कायाकल्प योजना के तहत कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ। विद्यालय के प्रधान अध्यापक के अनुसार पिछले 5 साल तक ग्राम प्रधान की लाख मिन्नतें करने के बावजूद केवल आश्वासन ही मिला और कोई काम नहीं हुआ। इस विद्यालय में बिजली तक नहीं है, परंतु वायरिंग हो चुकी है। पीने के लिए पानी के लिए हैंडपंप है, लेकिन पानी आर्सेनिक युक्त है। विद्यालय की बाउंड्री वॉल ना होने से भी आवारा पशु आए दिन छात्रों और शिक्षकों को परेशान करते हैं। इस तरह के माहौल में यहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुसार कायाकल्प योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कितने बच्चे नामांकित आपके यहाँ? 81 है। स्कूल तो अभी सरकारी आदेश के साथ चल रहा है? विद्यालय सरकारी आदेश के अनुसार चल रही है, बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है। कब से चलेगा सर? 1 मार्च से विद्यालय हम लोग का चलेगा, जिसकी हम लोगों ने तैयारी बिल्कुल कर रखी है। जी, मेरे यहाँ विद्यालय में कायाकल्प के द्वारा कोई काम नहीं हो पाया है। उन्होंने सोचना तो अपने विभागों के माध्यम से या प्रश्न उनके यहाँ जा करके